दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग ही कुछ बड़ा काम कर पाते हैं। एक जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हो, और दूसरे वो जो खूब मेहनती हो। जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो अपनी दौलत के बलबूते पर हर मुश्किल को आसानी में बदल लेते हैं, और जो मेहनती होते हैं, वो अपनी हिम्मत और लगन से अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 ऐसे अमीर तरीन लोगों के बारे में आपको बताएंगे जो अपनी मेहनत और हाजिर दिमागी से अरबपति बन गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। नंबर 10, तारिक सैगल। दोस्तों, तारिक सैगल का ताल्लुक सैगल फैमिली से है। सैगल फैमिली ने अपने कारोबार की शुरुआत 1890 में एक जूतों की शॉप से की थी, लेकिन आज ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। ये कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के मालिक हैं। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे कारोबार हैं, जिन्हें तारिक सैगल, नसीम सैगल और रफीक सैगल संभालते हैं। इनकी नेटवर्थ 0.9 बिलियन डॉलर्स है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 149 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 9, रफीक हबीब। दोस्तों, रफीक हबीब पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं। इनकी फैमिली में सेठ हबीब ने कारोबार का आगाज किया था। रफीक हबीब ने अपने फैमिली बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये हबीब बैंक और बैंक अल हबीब के मालिक हैं। इसके अलावा इनकी मुख्तलिफ कंपनीज भी हैं। इनकी नेटवर्थ 0.95 बिलियन डॉलर्स है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 158 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 8, नासिर शॉन। नासिर शॉन का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। ये शॉन ग्रुप्स के मालिक हैं। इनका कारोबार पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी मौजूद है। इन्हें असल कामयाबी 1971 में मिली, जब इन्होंने दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इनकी नेटवर्थ 1 बिलियन डॉलर्स है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 166 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 7, सदरुद्दीन हाशवानी। नाजरीन, सदरुद्दीन हाशवानी हाशू ग्रुप्स के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है। इसके अलावा ये रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, आईटी और फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी करते हैं। इनकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 183 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 6, मलक रियाज। मलक रियाज पाकिस्तान के मशहूर तरीन बिजनेसमैन हैं। ये प्रॉपर्टी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। इनकी तालीम मैट्रिक है और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज एज ए क्लर्क किया था, मगर अब मलक रियाज पाकिस्तान के मशहूर प्रॉपर्टी ब्रांड बैरिया टाउन के मालिक हैं। इन्होंने अपनी सारी दौलत बैरिया टाउन से ही कमाई है। इनकी नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी 216 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 5, अनवर परवेज। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज यूके में एज ए बस ड्राइवर किया था, लेकिन अब अनवर परवेज का शुमार पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। ये बेस्ट वे ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 249 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 4, नवाज शरीफ। वैसे तो नवाज शरीफ का शुमार पाकिस्तान के साबका वजीर आजम की लिस्ट में किया जाता है, लेकिन इनका शुमार पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों में भी किया जाता है। ये इस वक्त पाकिस्तान के चौथे अमीर तरीन शख्स हैं। ये इत्तफाक ग्रुप्स के मालिक हैं। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे कारोबार हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, सऊदी और दुबई में मौजूद हैं। वैसे तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि इनके पास कितनी दौलत है, लेकिन एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 1.8 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 299 अरब रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। नंबर 3, आसिफ अली जरदारी। ये पाकिस्तान के तीसरे बड़े अमीर तरीन शख्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और बहुत सारे ममालिक में मौजूद हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे कारोबार हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं। इनकी नेटवर्थ 2.1 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी 349 अरब रुपये बनते हैं। नंबर 2, मियां मोहम्मद मंशा। ये निषाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। ये पाकिस्तान के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, जिनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी 416 अरब रुपए बनते हैं।
नंबर 1 शाहिद खान। ये एक पाकिस्तानी निसाद अमेरिकन बिजनेसमैन है। इनका ताल्लुक लाहौर से है। ये 17 साल की उम्र में अमेरिका पढ़ाई की गर्ज से गए थे और वहीं के होकर रह गए। इनकी पहली नौकरी एक मामूली से रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की थी, जहां इन्हें एक घंटे का $1 मिलता था। और अब शाहिद खान पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं। ये गाड़ियों के बम्पर्स बनाने वाली कंपनी फ्लेक्स एंड गेट के मालिक हैं। इनकी कंपनी के 66 प्लांट्स हैं और 24,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इसके अलावा ये अमेरिकन फुटबॉल लीग की टीम जैक्सन वैली जगवार्स और बरतानवी फुटबॉल लीग की टीम फिलहाम के भी मालिक हैं। ये पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। इनकी नेटवर्थ $8.5 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,415 अरब से भी ज्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।